भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में सबसे बड़ा हथियार जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों को टीका लगाना है। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत में टीका बनाने वाली कंपनियों यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2 महीने का 100% एडवांस का भुगतान भी कर दिया है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों को कुल 4,500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। कोविशील्ड का उत्पादन करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 3,000 करोड़ और कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाले भारत बायोटेक के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्र ने भारत बायोटेक की बेंगलुरु फैसिलिटी के लिए भी 65 करोड़ अनुदान को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार रात को ये जानकारी दी है। बता दें कि सरकार ने वैक्सीन के लिए ये फंड ऐसे समय में दिया है जब 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।